हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास एक एबीबी का ड्राइव है। एबीबी का जो मॉडल नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एसीएस 560, ये ड्राइव है। तो इसमें हमारे एक व्यूअर हैं शेषनाथ यादव जी ने, तो उन्होंने हमसे पूछा था, कमेंट करके पूछा था कि इसमें कमांड रन का पैरामीटर कौन कौन सा होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो शेषनाथ जी, धन्यवाद आपको कमेंट करने के लिए। और हमारे पास ये ड्राइव का मैनुअल है, मैनुअल के थ्रू आपको मैं दिखाता हूँ कि यानी इसके अंदर पैरामीटर कैसे डालते हैं, रन कमांड का और ऑन का, ऑफ का, ट्रिप का। तो जब तक वो पैरामीटर डालेंगे नहीं, तब तक आप उसके अंदर और जो वीएफडी है, जो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव होता है, वो चलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले फ्रेंड ये देख रहे हैं आपको कि ये जो कनेक्शन रहता है, ये डिजिटल इनपुट का, डिजिटल आउटपुट का, यहाँ पे रिले आउटपुट का रहता है और रिले और पोटेंशियोमीटर का रहता है। तो इसके बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो पूरा डिटेल से इसका मैं वीडियो बना के अपलोड किया हुआ हूँ कि यानी फील्ड से इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। फील्ड से जैसे ऑपरेटर फील्ड में रहता है, आपका ड्राइव तो एमसीसी पैनल में रहता है, तो उसका कनेक्शन कैसे रहता है, तो उसका मैं A to Z आपको बताया हुआ हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ उस वीडियो का, तो आप वहाँ से देख लीजिए। तो हम बताते हैं सबसे पहले कि यानी जो रन कमांड रहता है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा रेडी टू रन और रनिंग और फॉल्ट का, ठीक है। तो जब तक ये वाला पैरामीटर आप इसके अंदर इंटर नहीं करेंगे, जब तक ये वाला पैरामीटर इसके अंदर डालेंगे नहीं, तब तक ये आपका वीएफडी चलेगा ही नहीं। सबसे पहले हम चलते हैं इसको जो रन का और रन यानी ऑन का, ऑफ का और ट्रिप का जो इंडिकेशन का रहता है, इसका पैरामीटर डालने के लिए सबसे पहले हम पैरामीटर लिस्ट में जाते हैं। तो यहाँ से हम इसको ऑफ कर लेते हैं। देखिए पैरामीटर लिस्ट आ गया है। पैरामीटर लिस्ट में आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो इधर इंडेक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे रेंज लिखा हुआ है, यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। तो इसमें जो होता है ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है, इसको मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो दिख रहा है इंडेक्स यानी एक नंबर ऐसे चलते चलते अपने को जाना है 10 नंबर ग्रुप में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 10 नंबर का स्टैंडर्ड DI और RO, यानी DI का मतलब होता है डिजिटल इनपुट, RO का मतलब होता है रिले आउटपुट। तो यह DI यानी डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं, तो उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड किया हुआ हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिए कि यानी डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट क्या होता है। तो 10 नंबर का पैरामीटर लिस्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे जब इसमें आ जाना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो 10 नंबर का, 10 नंबर ग्रुप नंबर 10 में आपको 24 नंबर में जाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब ये यदि आपके पास ड्राइव होगा, ये मैनुअल होगा तो आप भी देख सकते हैं वहाँ पे, यदि नहीं होगा तो आप बोलेंगे तो मैं इसको शेयर कर दूंगा, PDF फाइल शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर के यानी 10 नंबर ग्रुप के 24 नंबर में हमको जाना है। तो RO1 सोर्स यानी रिले आउटपुट 1 का सोर्स में हमको क्या करना है, यहाँ पे रेडी रन का कमांड करना है, ठीक है। तो रेडी का रन का कमांड में हमें 2 सेट करके रखना है, डिफॉल्ट सेटिंग रहता है, बस आपको देख लेना है कि यानी इसके अंदर कुछ कोई चेंज तो नहीं किया है। और हम दूसरा बात कर लेते हैं कि ये जो दूसरा होता है 27 होता है, यानी 10 नंबर ग्रुप के 27 नंबर में आपको आके रनिंग का यानी 7 इसमें देख लेना है कि 7 इसमें पड़ा हुआ है कि नहीं। यदि नहीं, ये तो एक्चुअली ये तो डिफॉल्ट सेटिंग रहता है, जो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव वाला रहता है वो तो करके देता है, लेकिन आपको चेक कर लेना है कि इसके अंदर है कि नहीं। 7 यदि नहीं है तो आपको 7 डाल देना है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं हम कि कौन सा यानी और एक डालना रहता है। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर ग्रुप के 30 नंबर में हमको डालना है, ठीक है। 30 नंबर में हमको क्या डालना है, ये फॉल्ट -1 15 है, तो यानी यहाँ पे 14 डालना है, ठीक है, यानी 14 डालना है। तो फ्रेंड ये जो तीनों ग्रुप है यानी ये रेडी टू रन का, ये रनिंग का और ये फॉल्ट का, जब तक ये वाला पैरामीटर वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव के अंदर नहीं डालेंगे, मैं SES 560 मॉडल की बात कर रहा हूँ, ये जब तक तीनों पैरामीटर नहीं डालेंगे तो आपका ड्राइव चलेगा नहीं, रन का कमांड मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड उम्मीद है यादव जी कि आपको समझ में आ गया होगा कि यानी ये रन का कमांड कहाँ से डालते हैं, पैरामीटर यानी इसके अंदर आके डालते हैं, तभी आपको ये आपकी वीएफडी चलेगी।
तो फ्रेंड अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो VFD पे फॉल्ट आता है उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। मान लीजिए ओवरलोड का क्या पैरामीटर रहता है, ओवरलोड का क्या रहता है, और यदि टेम्परेचर पे ट्रिप हुआ तो उसका क्या रहता है, ये सब हम देखेंगे। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।